ड्रीमलैंड जंगल में सब जानवर सुबह होत ही सैर के निकलत रहसन। खाली एगो बेचारा सारस ही रहे, जौन अपन टूटल पंख के वजह से कतहू न जा पावत रहे। एगो दिन जब सभी जानवर इकट्ठा होके मिंकू खरगोश के लगे पहुँचल सन, तो वो अपन बिल के सामने वाला जगह पे सफाई करत नजर आयल। अरे मिंकू, तू इतना सफाई करे में काहे लागल बड़ा? आज घूमे नहीं चले के का? ना रामू, आज हम कतहू घूमे ना जाएं। कुछ दिन पहले हम यहाँ आयल रही और यहाँ आके हम अपना परिवार के ही भूल गयी नी, लेकिन अब हम उकनी के लेवे जाता नी, वो सब हमरा साथे यहाँ रही सा। यही खातिर हम चाहता नी कि उकनी के आवे से पहले हमनी के खाए पिए के इंतजाम कर दी। तो तू जमीन के सफाई उनका खातिर कर रहल बड़ा का? हाँ, हम यहाँ जमीन के सफाई करके यहाँ पे गाजर के खेती करम। ऐसा करे से हमरा हमरा परिवार के आगे खाना के प्रॉब्लम ना होखी। ये तो बहुत बढ़िया बात बा। अभी के लिए तू लोग जा, हम कुछ दिन बाद तहरा लोग के साथे चलल करम। लेकिन तहरा कंपनी खातिर कोई तो यहाँ होए के चाही। ये कह के रामू हाथी सारस के कहलस। सारस, तू मिंकू से यहाँ बोलत बतियावत रही है, ऐसे कर मन भी लागल रही, हमनी के चला तनी। कह के ऊ सब उहां से चल गयलन सा। अब मिंकू खरगोश सारस से बात करत करत खेती के काम जारी रखलस। एकरा से ऊ दोनों के जरा सा भी बोरियत महसूस ना भइल। पहले सफाई कैलस, फिर जोताई कैलस और फिर बीज बोत बोत शाम हो गई। सारस भाई, हम एकर जोताई तक कर देले बानी, लेकिन हमरा शाम के ही निकले के पड़ी। अब हमरा समझ नहीं के आवत कि हमरा वापस आवे तक इतना दिन तक हमरा खेत के ध्यान कौन रखी। हमरा पास कौनो काम तो नहीं है मिंकू, एकर ध्यान हम रखब। तू बेफिकर होके अपन परिवार के लेवे जा सकता रहा। तहार बहुत बहुत शुक्रिया सारस भाई। ऐसन कह के मिंकू खरगोश वही वक्त उहवा से निकल गई। सारस अभी बैठ के खेत के रखवाली करत ही रहे कि जमीन में जोर के गर्जन होखे लागल। ऊ देखलस के सामने से दूगो गजराज भागत भागत आवत रहन सा। रुक जा, तू लोग ही जमीन के तरफ मत जा। कोई बात पे ध्यान न देलन सा और दोनों जमीन पे आके एक दूसरा से लड़े लगलन सा। इले तू इले, दोनों लड़त झगड़त वहां से आगे भाग गयलन सा। सारस देखलस के जितना भी बीज बोल रहे सब जमीन से ऊपर आ गयल रहन सा, फसल उगे से पहले ही बर्बाद हो गयल रहे। अरे ये तो बहुत बुरा भइल, बेचारा मिंकू इतना मेहनत कैला के बाद हमरा भरोसे अपन बगीचा छोड़ के गईल रहे, अब वो वापस आई तो हम ओके का जवाब देब। सारस देखलस कि एगो चिड़िया पेड़ पर बैठल ओकरे के देखत जात रहे। अब बाकी जानवर भी वापस आ चुकल रहन सा, वो जमीन के खराब भइल देखलन सा। तो सारस ओकनी के सब बात बता देलस। ई तो गजराज बहुत गलत कैलास। सारस, काश हम होती तो ओकनी के बहुत बढ़िया सजा देती। सजा देला से कौनो फायदा ना होइत, एके रखवाली के जिम्मेदारी हमार रहे, अब हम ही खेत के जुताई करब। ओकर ई साहस देख के सब जानवर हैरान रहन सा। अगला सुबह सारस सबसे पहले मिंकू के बिल के लगे गई। उहवा ओकरा नजर आयल के बीज काफी अच्छा मात्रा में रहे। ऊ पहले जमीन के अच्छा से सफाई कैलस और फिर अपन टूटल पंख के मदद से ही बीज के बोए खातिर जुताई करे लागल। सब जानवर अपना अपना काम में लागल रहन सा, लेकिन वो पूरा दो दिन जुताई में ही लगा देलस। फिर वो बीज के बो देलस। अब वो चैन के सांस लेलस और फिर उहवे बैठ के आराम करे लागल। कुछ दिन बाद जब बिंकू वापस आई तब तक ये बगीचा गाजर से भर गई होई। कई दिन गुजर गई और बगीचा में फसल भी उगे लागल, लेकिन शाम होला पर जमीन में फिर से एगो गर्जन होखे लागल। अरे बाप रे, कहीं फिर से ही फसल खराब न कर देवे। वो जमीन के सामने खड़ा हो गई, लेकिन गजराज फिर से अंधन के तरह अइलन सा और जमीन पे आके लड़े लगलन सा। ए, आज तोरा के ना छोड़ा, आज तू हमरा हाथ से कौन बच जाइबा, हैं हीला। कुछ ही मिनट में वो फसल खराब करके वहां से भाग गयलन सा।
अब सारस उहोए बैठ के आंसू भावे लागल। फिर से उहोआ पे जानवरन के भीड़ लग गई। अब तो हद हो गई, हम अभी दोनों के नहीं छोड़े वाला। उ लोग जंगल के राजा शेरू के बुला के सब कुछ बतौला सन। हम दोनों के अभी यही वक्त सजा सुनावतानी। शेरू उ दोनों के गुफा में पहुंचल और दोनों के 10 दिन खातिर जंगल से निकाल देलस। लेकिन अभी सारस के परेशानी दूर ना भइल रहे। सवेरे मिंकू आवे वाला रहे। उ इहे सोचत रहे कि आखिर उ मिंकू के का जवाब दीही। रात होखला पे सब सूत चुकल रहत सन, लेकिन ओकरा आँख में नींद ना रहे। उ जमीन के पास बैठल सोच में डूबल रहे। तब ही उ देखलस कि जौन चिड़िया इतना दिन से ओकरा के पेड़ पे बैठ के देखत रहे, उ ओकरा पास आके बैठ गई। प्यारी चिड़िया, कैसन बारू तू? हम ठीक बानी सारस, तू कैसन बाड़ा? अरे तू तब बोल सकतारू, फिर तू इतना दिन से हमसे बात काहे ना कैलू? हमें जंगल से ना है सारस, हम जादुई पहाड़ी से हैं। काफी दिन से हम तहरा पे नजर रखले रही, तहार मेहनत, तहार दिल, तहार दयालुता के देखत रही। एगो पंख से अपाहिज होखला के बाद भी जितना हिम्मत और दरिया दिली तू दिखौला हा, शायद ही कौनो ऐसन कर पाई। हाँ, लेकिन हमार सारी मेहनत बेकार गई। अब जब कल मिंकू खरगोश वापस आई तो ओकरा और ओकर फैमिली के का जवाब दे अब हम? तो शायद ठीक से सुनला ना हा, हम जादुई पहाड़ी से हैं। ऐसन कह के उ चिड़िया उ बगीचा के चक्कर काटे लागल। 3 गो चक्कर कटला के बाद ऐसन जादू भइल जेकर सारस कल्पना भी ना कैले रहे। जमीन अपना आप साफ हो गई और ओकरा पे पहले से भी ज्यादा गाजर उगाइल। अरे वाह, ई तो बहुत सुंदर बगीचा बन गई। तहार बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया। अभी से धन्यवाद ना, अभी एगो और काम बाकी बा। कैसन काम? ई सुन के चिड़िया सारस के सिर पर भी 3 गो चक्कर लगैलस और फिर आसमान में उड़ गई। आखिर ई कौना काम के बारे में कहत रहे? सारस अब गौर कैलस तो ओकर पंख अब बिल्कुल ठीक हो गइल रहे। उ पंख फड़फड़ैलस तो हवा में ऊपर उठे लागल। अरे वाह, अब हमहू उड़ सकेनी। उ खुशी से फूलल ना समाइल। अगला सुबह जब मिंकू खरगोश अपन परिवार के साथे वापस आइल तो ओकरा साथे साथे बाकी जानवर भी उहो आ गइलन स। लेकिन जब उ देखलन स कि बगीचा एकदम हरा भरा बा और सारस भी बिल्कुल ठीक हो गइल बा तो उ सब हैरान रह गइलन स। फिर सारस उकनी के सब कुछ बता देलस तो सब जानवर बहुत खुश भइलन स। हमार भाई सारस, तू हमरा और हमार परिवार खातिर जितना मुसीबत उठैला ओकर एहसान हम कभी ना चुका सकेनी। उ तो हमार फर्ज रहे भाई, तहारी बगीचा के वजह से ही हमार पंख भी ठीक भइल बा, अब हम उड़ सकतानी। कह के उ खुशी से पंख फड़फड़ाए लागल और बाकी सब जानवर भी खुशी से उछल पड़लसन। जौन लोग दूसरा के भला सोचेला ओकनी साथे कभी बुरा ना होखेला।